मैं तो थक गई। बर्थडे टू यू। अरे कोई खोल क्यों नहीं रहे? और कल माइलू की तबीयत रात को बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और आज तो हद ही हो गई। मैंने हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस बस टाइम हो गया है और मैं निकलती हूँ। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। मम्मी रेडी हो चुकी हैं बट मम्मी सो बोल रही हैं कि मेरे पास टाइम है, तो मम्मी ना ये बेडशीट वगैरह फोल्ड कर रही है। कल बहुत सारे कपड़े धोए थे ना, तो छत से अभी लेकर आई हैं और उनको फोल्ड कर रही हैं। तो बस मैं निकलती हूँ, मम्मी बंद कर। तो बस मैं निकल चुकी हूँ। आज अंकल आंटी घंटी नहीं बजा रहे, या तो इनकी पूजा हो गई है या तो ये उठे नहीं आज। तो चलो बस निकलते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं वो कल वाले भी जो अंकल थे ना रिक्शे वाले, वो भी हमें छोड़ के ना चले जाएं। सुबह सुबह चलना भी एक आफत का काम है, बट ये अच्छा ही होता है हमारे बॉडी के लिए। बट साड़ी में चलना बहुत ही बड़ा काम है। एक जो यहाँ से रिक्शे वाले अंकल जाते हैं वो भी चले गए। भाग रीना भाग, जल्दी जल्दी भाग। और यहाँ पे मैं भाग भाग के जा रही थी ताकि मुझे जल्दी से जल्दी कोई रिक्शा मिल जाए और मैं टाइम से बस पकड़ लूँ ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। मैं तो थक गई, गली के मोड़ में ही आते आते मैं थक गई। सुबह सुबह ही थक गई, मैं तो थक गई। और आज मुझे डायरेक्ट बस तो मिली, बट वो बस वाला इतना धीरे धीरे चला रहा था कि मैं टाइम से काफ़ी लेट पहुंची स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने राखी का बर्थडे सेलिब्रेट किया ताकि उसको आज का दिन याद रहे और उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील हो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर आते वक्त बस से उतरने के बाद मुझे रिक्शा में ट्रैवल करना पड़ता है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा डस्ट होने लग जाता है। फाइनली मैं रिक्शे से उतर के घर की तरफ जा रही हूँ। आज फुल डे था तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। एक तो आदत छूट गई है जो हम रेगुलर बेसिस पे 7 पीरियड्स करते थे, तो अब वो आदत छूट गई है। तो आज बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। इनफैक्ट मैं तो खड़े खड़े पैर के तलवों में भी दर्द हो गया है। बट चलो, आज राखी का बर्थडे था तो हमने वो सेलिब्रेट किया, वो खुश हो गई, तो उसको देख के और खुशी उसी मिली। और धूप इतनी तेज़ हो गई है कि पता नहीं, अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, आई डोंट नो धीरे धीरे कैसे वक्त बीतेगा, कैसे टाइम बीतेगा। हद से ज़्यादा धूप होने लग गई है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। एंड आई एम रियली मिसिंग माई स्कूटी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डस्ट इतना हो रहा है, टैनिंग इतनी ज़्यादा होती जा रही है। होप फॉर द बेस्ट। अब 2 दिन और मेरे ख्याल से मुझे बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। आजकल तो बस में और रिक्शा में दोनों में इतने झटके लगते हैं, बुरी हालत हो जाती है। अरे कोई खोल क्यों नहीं रहे? खोलो। सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है। मेरी प्यारी स्कूटी कैसे खड़ी हुई है, देखो डस्ट डस्ट हो गया। बड़ी फाइनली मैं घर पहुंच गई। ये इतना टायरिंग डे था आज, सीरियसली फुल डे था, बहुत दिनों के बाद तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था। तो फेस से लग रहा होगा थकी थकी हो। और कल माइलू की तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
वाइलू मेरा बीटू क्या अच्छा है ले। फाइनली मैं घर पहुंच के मैंने चेंज वगैरह कर लिया और अब देखो कितना सारा काम है। ये सारे कपड़े जो कल धोए हुए थे ना, इनको मेरे को फोल्ड करना है। सबसे पहले पर तो मैं खाना खाऊंगी, बहुत भूख लग रही है। खाना वगैरह खा के इन सब कपड़ों को फोल्ड करूंगी। खाना वाना खाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस ये मेरा माइलू, मेरा छोना। कल माइलू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को। कल ये टिक फीवर के इंजेक्शन लगवा के आया था, उसके बाद हुआ क्या पता नहीं, रात को अचानक से 11:30 बजे ये वॉमिटिंग करने लग गया। और इसने एक बार नहीं कई बार वॉमिटिंग किया। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी और मैं काफ़ी देर तक मैं इसी को बैठ के देख ही जा रही थी कहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब तो ना हो जाए। फिर मैंने जब एसी चलाया तब जाके इसको थोड़ा सा बेटर फील हुआ। मतलब लगा लो इसने 5 से 6 बार वॉमिटिंग किया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि एक तो रात का टाइम और मैं क्या करूँ ऐसे टाइम पे, कि ऐसे रात को किसके पास जाएंगे हम। तो मैं कम से कम इसको देखते देखते मुझे 2 बज गए थे रात को। अभी थोड़ा सा ना खा रहा है पी रहा है। चलो तो गाइस मैं ना अब आप लोगों से ना खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मिलती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। शाम हो चुकी है, आज मम्मी ने चाय बनाया है, आज मैंने नहीं बनाया। तो बस चाय पीती हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ। चाय वाय पी लिया, उसके बाद मम्मी और मैंने बहुत सारे कपड़े फोल्ड किए हैं। देखो हमने फोल्ड करके इसको अभी यहाँ रखा हुआ है, फिर यहाँ से हम लोग अलग अलग जगह में इसको ट्रांसफ़र कर दें। अब ऑलमोस्ट रात हो गया है, डिनर टाइम हो गया है, तो अभी डिसाइड करना है कि क्या बनाएंगे। बड़ा बहुत बड़ा टेंशन होता है कि अब क्या बनाए, आज क्या बनाए। और फिर आज हमारा फिर से गैस पाइपलाइन बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, पता नहीं कुछ काम चल रहा है। पर 10 बजे तक गैस रहेगी, उसके बाद बंद कर देंगे और सुबह 9 बजे के बाद ही आएगा। तो बस फटाफट से डिनर बनाते हैं। और उससे पहले तो मैं नीचे जाऊँ, मुझे दूध लेने जाना है। मम्मी ने अभी जस्ट बोला है दूध और दही नहीं है। फाइनली मैंने दूध दही और जो भी चीज़ चाहिए थी ले लिया है। हम घर आ गए, दूध लेकर आ गए। मम्मी ये मैगी मेरे लिए है, मेरे लिए है, थैंक यू। चुप रहे, मम्मी मेरे लिए बनाई है। ये नंगे को देखो नंगे, अरे कूद जाएगा ये। अरे इधर तेरा, मेरे लिए है। आप उसको मैगी क्यों दे रही हो? खुद बना रहा है, खुद बना रहा है नंगा कहीं का। मैगी भी खाएगा, मैगी। मम्मी ने छोटू के लिए मैगी बनाया, मम्मी ने मेरे लिए नहीं बनाया और भूखा कहीं का छीन के ले गया मेरे से। गाइस आज हम बनाएंगे बैगन आलू की सब्जी और जल्दी से जल्दी बनाती हूँ इससे पहले कि गैस बंद हो जाए। आज हमने आलू ये बैगन लंबे लंबे काटे हैं, तो आज हम लंबे लंबे बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने दूध भी उबाल दिया है। तो आज मैं ये बनाऊंगी तो तेल में। जब तक तेल गरम हो रहा था मैंने फटाफट प्याज लहसुन अदरक को छील के उसे चॉपर में चॉप कर लिया। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, काली मिर्ची, लाल मिर्ची और प्याज लहसुन अदरक। तो यहाँ पे जब तक मेरा प्याज ब्राउन हो रहा था मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उनको छोटे छोटे पीसेस में काटा और चॉपर में अच्छी तरह से चॉप करके उसे बारीक काट लिया। अब हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें आलू बैंगन डाल देंगे। नमक, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको धीमी आंच में पकने देंगे। और यहाँ पे हमारा दूध भी बॉईल हो गया।
गाइस हमारी ऑलमोस्ट सब्जी चढ़ गई है, दूध गर्म हो गया है, मतलब बॉईल हो गया। अब मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। मैंने ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना करते हुए 3 लोई बनाई, उनको अच्छी तरह से बेल दिया और फिर तवे पे चढ़ा के रोटी सेक दी। मेरी सब्जी भी बनी गई है, मेरा डिनर रेडी है और मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ, देख सकते हो। और आज तो हद ही हो गई, मैंने 3 रोटी बनाई और तीनों में से एक भी रोटी नहीं फूली, दिन ही ख़राब है। चलो मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, दूध उबाल दिया, रोटी बना दी, चावल चना बन गए, सब्जी थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी हल्की सी कच्ची है, वो 5 मिनट में बन जाएगी। आप गैस बंद कर दें, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और मैंने अपना इंडक्शन भी निकाल लिया है, तो ये रहा हमारा इंडक्शन। जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं सोफे में बैठी, मालू आया मेरे पास। तो गाइस ये मेरा राजा बेटा है, देखो मेरे छोना बेटा को, मेरे छोना बेटा। तो गाइस मैंने डिनर वगैरह कर लिया, तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन अनदर न्यू ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।